मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड और राज्यसभा के सांसद खिरू महतो जी हैं, और जिनका आगमन जमशेदपुर में हुआ है। और जमशेदपुर में सिर्फ इसलिए हुआ है कि नीतीश जी का वह सिपाही कि वह जगह में कैसे करके पार्टी मजबूत होगी, 2024 में यहाँ पर कितने सांसद मिलेंगे, कितने विधायक मिलेंगे, और पार्टी का विस्तार किस प्रकार से करना है, यह भी दायित्व खिरू महतो जी का है। और आज हमारे साथ मौजूद है, इसी विषय में बात करते हैं कि प्रदेश में आप लोग का दौरा, तूफानी दौरा हो रहा है, चाईबासा से लेकर रांची से लेकर पूरे झारखंड प्रदेश का हो रहा है, तो क्या क्या पॉइंट को आप लोग ट्रेस किए हैं जिसमें इस प्रदेश को पार्टी और मजबूत हो? देखिए, हम लोग है जो पूरे झारखंड में अभी तो 9 जिला पहले कर चुके हैं फर्स्ट फेज में, और हमारे है सो 4-3 प्रभारी हैं। पहला तो है सो अशोक चौधरी जो माननीय मंत्री हैं, जो अभी जमशेदपुर पहुंचे हुए हैं। दूसरे प्रभारी विजय सिंह हैं, जो ऑल इंडिया कोऑपरेटिव चेयरमैन है और MLC हैं। वो बोकारो, धनबाद और गिरिडीह कर रहे थे अगले फेज में, और उसके आगे है सो फिर है सो हमारे माननीय मंत्री मनोज यादव जी हैं, वो देवघर, जामताड़ा और दुमका है सो कार्यक्रम कर लिए हैं। सेकेंड फेज सबको लगा दिए हैं। सेकेंड फेज के तहत आज है सो चाईबासा कार्यक्रम करके हम लोग आ रहे हैं, और फिर है सो जमशेदपुर में कार्यक्रम होगी, सरायकेला खरसावां कार्यक्रम होगी, उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे। फिर तीसरा फेज में जो भी बचा हुआ क्षेत्र रहेगा, कोलान क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं, फिर है सो पलामू क्षेत्र में है सो विजय सिंह जाएंगे, जो ऑल इंडिया कोऑपरेटिव चेयरमैन है, MLC हैं, वो है सो 20 तारीख से कार्यक्रम करेंगे, 20, 21, 22, 3 दिन। इस तरह से मनोज यादव जी का भी 10 तारीख से 10, 11, 12 वो साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़ करेंगे। इस तरह से लगभग हमारा है सो 20-21 आपका सो जिला हो जाएगा। उसके बाद जो 2-4 जिला बचा हुआ उसको हम लोग रांची समेत फिर पुनः बैठ के हम लोग करेंगे। तो अभी जो हमारा संगठन मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे माननीय ये 3 जो प्रभारी हैं वो देखना चाह रहे हैं संगठन सचमुच में जनता दल यूनाइटेड के झारखंड में है अथवा नहीं है। तो सब जगह मैंने टीम बना दिया और अपने अपने स्तर से लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, और ये लोग भी अपने खुश हो रहे हैं कि जो लोग सोचा था है या नहीं, आज संगठन सभी जगह जनता दल यूनाइटेड के है और मजबूती के साथ उभर कर सामने आ रहा है, और आगे भी अचीव हो रहा है कि संगठन मजबूत बनेगा। और जो भी 2 महीना के अंदर में हम लोग इतना धारदार बना देंगे कि लगे कि 1 नंबर जनता दल यूनाइटेड यहाँ बन चुकी है। सर, ये ओडिशा का बालासोर में ट्रेन का बहुत बड़ा हादसा हुआ, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हादसा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे मर्माहत हम लोग सब हैं। हमारे जनता दल यूनाइटेड के पार्टी के लोग भी सहानुभूति रखते हैं उन लोगों के साथ में, और हम सरकार से मांग करेंगे, केंद्र सरकार से, भैया ट्रेन दुर्घटना हुई उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनके परिवार के लोगों को कम से कम 1 करोड़ रुपया ऐसे मुआवजा दें, और 1-1 नौकरी रेलवे में ऐसे देने का काम करें जिससे कुछ लोगों को राहत मिल सके। बाल बच्चा सब अनाथ हो गया, पूरे लोग अनाथ हो गए हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को, क्योंकि बहुत ऐड हम लोग ऐसे देते हैं कई कई कंपनियों को, हज़ार करोड़, तो ये इतने लोग मर गए बेचारे, चले गए दुनिया से, जो लापरवाही जिस विभाग से लापरवाही हुआ, GM से, DRM से, जो जाँच करते हैं उन लोग से गलती हुई, कहाँ से गलती हुआ जो इतना बड़ा हादसा हुआ, उस पर ऐसो केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री इसको ऐसे घोषणा करना चाहिए, देखना चाहिए, और ऐसे रेल मंत्री को भी इस पर ऐसे कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे रेल मंत्री जब नीतीश कुमार थे एक बार हादसा हुआ था, जिससे इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, इसलिए ये परिपाटी में उनको भी सोचना चाहिए कि भाई हम क्या करें, इस्तीफा तो दे देना चाहिए इस आधार पर। लेकिन नीतीश कुमार जी से जब रेल मंत्री था, उन्होंने अपने उतने बड़े मंत्रालय को पद त्याग दिया था, तो ये आपको लगता है कि जो भारतीय रेल मंत्री है, जो भारत सरकार है, और रेलवे मंत्रालय जो अभी भारत सरकार के अधीन हो गया है, तो क्या इसमें भारत सरकार को सेफ्टी नॉर्म्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है? सेफ्टी का ऑडिट होना
ये आप चाहते हैं कि सरकार इसमें ध्यान एकदम सेफ्टी का पूरा ऑडिट होना चाहिए। हम लोगों ने तो बात रखा भी है कई बार कि भाई सेफ्टी की दृष्टिकोण से कहीं भी फाटक में भी आप देखेंगे कि जब फाटक बंद होती तो लोग है सो मोटरसाइकिल नीचे करके या साइकिल से पार हो जाते हैं, पूरी तरह से बंद नहीं होता है। ये हम लोग भी ने कहा कि बंद करिए उस तरह से, पुलिस भी रोकती नहीं मानता है लोग। ये तो हादसा हुआ है ना, वो तो अपने जानबूझकर भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन उस पर भी रेल विभाग ध्यान नहीं दे रही है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें केंद्र सरकार को पूरा केंद्रीय टीम को इसमें ध्यान देकर उसको जाँच करे, न्यायिक जाँच करे और दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई करे। ऐसा क्यों घटना घटी, पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, बार बार बोला जाता है लेकिन फिर पुनरावृत्ति हो जाती है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा, आप सवाल पूछते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अभी के समय में चुनाव को लड़ना और चुनाव से विधायक को निकालना, संसद को निकालना खेल नहीं है, और आपकी जो सरकार है सिर्फ बिहार में है, तो कैसे करके उसको पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में उनका से कार्यकर्ता बढ़े, विधायक बढ़े। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नीतीश कुमार वहाँ काम कर रहे हैं कि सब विपक्षी के साथ मिल के और उनकी बात सब सुनते हैं, चाहे राहुल गांधी जी भी हो चाहे ममता बनर्जी भी हो। तो क्यों नहीं इस बार का 2024 विपक्ष एकदम नया उमंग नया जोश से लड़ेगा, इसकी क्या तैयारी हो रही है? देखिए, इसकी तैयारी के लिए ही 12 जून को पटना में एक आवश्यक बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी राजनीतिक दल के अलावे छोटे मोटे भी दल जो होंगे सबको आमंत्रित किया गया है, और सब मिलकर 12 तारीख को एक जगह जमा होंगे और उस पर ऐसा तय किया जाएगा। और पूरे देश में इस बार एक व्यक्ति एक ही लोकसभा में ऐसे चुनाव में लड़ेंगे, विपक्षी एकता को मजबूती प्रदान करना है, और तभी हम ऐसो नरेंद्र मोदी का जो कार्यकलाप है उसके विरोध में खड़ा होकर और केंद्र में सरकार बना सकें। तो इस बार का 2024 कितनी संसद कितनी विधायक बिहार में और झारखंड में, तो क्या सरकार का जो अस्तित्व है, जो जेडीयू का अभी तक संसद विधायक का कमी है, तो कितने संसद का टारगेट है कि इस बार आप लोग चुनाव में लेके आएंगे संसद और विधायक? देखिए, सबसे पहले तो संसदीय चुनाव जब होगा 2024 में, अभी हमारे विपक्षी एकता बन रही है, विपक्षी एकता जब मजबूत हो जाएगा तो उस समय ऐसा आकलन हो जाएगा कि हम कहाँ कहाँ लड़ेंगे, कहाँ विपक्ष को छोड़ेंगे, अपने सहयोगियों को छोड़ेंगे, हम एक ही सीट में एक लड़ेंगे। और जब ऐसे विधानसभा का चुनाव आएगा तो फिर झारखंड में 24 में विधानसभा होगा 6 महीना बाद में, और बिहार में तो 25 में होगा। इसलिए उस समय लोग पहले तो फर्स्ट लोकसभा पर केंद्रित करना है, फिर आने वाला समय जब विधानसभा आएगा तो उस पर हम लोग तैयारी करेंगे। और संगठन अभी जो चल रहे हैं, बना रहे हैं, सब जगह घूम घूम कर ऐसे लोग आ रहे हैं हमारे दल में, बहुत देर लोग ऐसे मिल रहे हैं, सभी वर्ग सभी समुदाय सब लोग देख रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड ही झारखंड में कुछ कर सकता है, पूरे देश में कर सकता है, इसलिए हम लोगों के साथ जुड़ा हो रहा है। कल भी हम लोगों के साथ बहुत लोग जुड़ेंगे, इस तरह से अभी चाय भाषा में बहुत लोग ज्वाइन किया, तो इस तरह से कार्यक्रम चल रहा है। और 2024 जब आएगी लोकसभा के बाद तब हम लोग को आंकड़ा सामने आएगा, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी सामने आएगा, तब फिर बताया जाएगा आपको कितने सीट से हम लोग को तालमेल में लड़ना है। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड वह पूरी तरह तैयारी कर चुका है, और बिहार में जिस प्रकार इनके विधायक इनके सांसद है, और वही हाल झारखंड में भी होने वाले, उसकी तैयारी प्रदेश स्तर से लेकर कार्यकर्ता से लेकर सभी कर रहे हैं। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।